कोलारस वदरवास में आज से रुकेंगी इंटरसिटी। कोरोना काल से कोलारस रेलवे स्टेशन पर बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को पुनः शुरू करने की कवायद सांसद डॉक्टर केबी यादव द्वारा की गई है। लंबे समय से बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को शुरू करने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। आज से भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी का स्टॉपेज कोलारस सहित बदरवास में बढ़ा दिया गया है। आज कोलारस रेलवे स्टेशन पर भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी पहुंची, जहां गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कोलारस रेलवे पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही कोलारस रेलवे स्टेशन से उसी ट्रेन में सवार होकर बदरवास के लिए रवाना भी हुए। इस मौके पर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास सहित कई भाजपा नेता और क्षेत्रीय जनता मौजूद थी। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने बताया कि शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के रेलवे स्टेशन का नाम अमरेला योजना में जोड़ा गया है। इन तीनों रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। ऐसी योजना के तहत यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो मैंने दोबारा ऊपर आग्रह किया, भाई साहब ने भी बोला, तो फिर से सर्वे कराया गया कि यहाँ पैसेंजर्स कितने मिलेंगे, क्या होगा। तो उसमें शायद जो आप लोग चाहते थे वही हुआ। निश्चित ही यहाँ से पैसेंजर्स पहले भी मिलते थे और आगे भी मिलेंगे। तो फिर से इन ट्रेनों का स्टॉपेज आज हमें मिल रहा है। करीब करीब 14 स्टॉपेज हम लोगों को भिन्न भिन्न ट्रेनों के अपने लोकसभा क्षेत्र में मिलेंगे। पर अभी होली का समय है, त्योहार है, तो कुछ जो बहुत जरूरी थी वो तो हम लोगों ने आज ही करवाए हैं। एक दो ट्रेनों का कल परसों में भी मिल जाएगा और धीरे धीरे एक दो हफ्ते में पूरी जो 14 स्टॉपेज जो मिले हैं वो चालू हो जाएंगे। भाई रेलवे में मैं बधाई दूंगा रेलवे मंत्रालय को कि रेलवे में जो कार्य हो रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये रेलवे लाइन जो हमारी है ये बहुत पुरानी रेलवे लाइन है और रेलवे स्टेशन भी कई तो हमारे अंग्रेजों के समय के हैं, लेकिन उनके जीर्णोद्धार का कार्य कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। चाहे हम बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशन देख लें और चाहे हमारे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन देख लें, उनमें यात्री सुविधाएं बढ़ाने से लेकर सारी यात्रियों को मद्देनजर उनको देखते हुए सारी सुविधाएं हम और क्या क्या बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। स्वच्छता के मामले में भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जो हमारे जिले के रेलवे स्टेशन है, आप लोगों को खुशी होगी कि उनको अभी एक नई योजना आई है अमरेला, उसमें तीनों जिले के अशोकनगर, गुना और शिवपुरी तीनों रेलवे स्टेशनों को अमरेला प्रोजेक्ट में ले लिया है। उनको भी और आधुनिक किया जाएगा, जैसे कि भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन को किया गया है, तो वो कार्य भी बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। और जितना हो सकता है, अब तो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरा हो गया तो ट्रेन्स भी बढ़ेंगी। कोटा बीना वाली लाइन